हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो पिछला टॉपिक अभी जस्ट मैंने शुरू किया था, फ्रैक्शन भिन्न से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में मैंने बताया था कि कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अभी इसमें तीन टाइप आपने इसके बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे, हालांकि इसमें दो बेसिक सेक्शन और है, उसे देखने के बाद कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों पर हम चलते हैं। तो इसमें चौथा हेडिंग मैंने किया है आवर्त दशमलव भिन्न, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यह मुख्य दो प्रकार में होता है। सबसे पहला होता है शुद्ध या सरल आवर्त दशमलव और दूसरा होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। तो यहां से शुरुआत इसके पहले सेक्शन से हम किए लेते हैं कि शुद्ध या सरल आवर्त दशमलव क्या होता है, और इसके बाद तब मैं दूसरे वाले सेक्शन पर आऊंगा। तो चलिए अभी मैं इस क्रम की शुरुआत यहां से कर रहा हूं, सरल आवर्त दशमलव से। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुद्ध या सरल आवर्त दशमलव होता क्या है। यदि दशमलव के तुरंत बाद या यदि दशमलव के बाद किसी विशेष अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो, ध्यान देना, यदि दशमलव के बाद किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति हो, किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति हो या दशमलव के बाद सभी अंक पर बार हो, या दशमलव के बाद सभी अंक पर बार ये साइन हो, तो इसे सरल या शुद्ध आवर्त दशमलव कहते हैं। तो आपने देखा यदि दशमलव के बाद कोई विशेष अंक ऐसा है जो बार बार आए, या दशमलव के बाद कोई विशेष अंक जिस पर सभी अंक पर बार लगा हो, तो यह शुद्ध आवर्त दशमलव के अंतर्गत आता है। सवाल हमारे सामने यह उठता है कि शुद्ध आवर्त दशमलव प्रश्न को हम यदि एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, एक सरल भिन्न में कन्वर्ट करें, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पर फोकस कर लेते हैं। तो मैं यहां पर इसके लिए एक आवश्यक रूल बता दे रहा हूं, बस इतना ध्यान देना, सरल आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में आप कैसे बदलेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूं। साधारण भिन्न में बदलने के लिए हर में उतना ही नौ लिखते हैं जितने अंक पर ये बार का साइन होता है, और अंश में ठीक वही संख्या रखते हैं जिस अंक पर बार होता है। चलिए अच्छा ध्यान देना, आपने रूल में क्या लिखा, जैसे सरल आवर्त दशमलव का कोई प्रश्न है, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो बदलने के लिए हर में डिनोमिनेटर नीचे हर में उतनी ही बार नौ लिखेंगे जितने अंकों पर बार लगा। एक अंक पर बार लगा है तो हर में एक बार नौ लिखेंगे, यदि दो अंक पर बार लगा है तो हर में दो बार नौ लिखेंगे, मतलब हर में उतना ही नौ लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। और अंश में क्या करते हैं, हम ठीक वही संख्या रख देते हैं जिस अंक पर बार होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं लिख दूं 0.7, यहां पर 7777, ये प्रक्रिया मैं कंटिन्यू रखूं अनंत बार,
तो आप देख रहे हैं यदि दशमलव के बाद किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति हो, रेपिटिशन हो, तो आप दशमलव के बाद देख पा रहे हैं कि एक विशेष अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है। दशमलव के बाद वह विशेष अंक है सात, तो हमने इस पर क्या किया, सात पर बार लगा दिया। जिस विशेष अंक की पुनरावृत्ति हो, जैसे सात बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमने सात पर क्या किया, बार। तो यह ऐसे प्रश्न सरल आवर्त में आते हैं। अब हमें इसको साल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? इसे साल्व करने के लिए आप हर में, मतलब नीचे, उतनी ही बार नौ लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। अब ध्यान देना, एक अंक पर बार है तो हर में क्या करेंगे, आपने लिखा है कि हर में उतना ही नौ लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, तो एक अंक पर बार है तो हर में एक बार नौ लिखेंगे। और अंश में क्या करते हैं, अंश में हम ठीक वही संख्या रख देते हैं जिस अंक पर बार होता है। किस अंक पर बार है, सात पर। तो ये हो गया सात बटे नौ। आप चाहे तो सात में नौ से भाग कर लीजिए, यही रिजल्ट आएगा जो आपने प्रश्न के रूप में लिखा है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि हर में नौ ही क्यों लिखते हैं, बाकी अंक क्यों नहीं लिखते हैं? तो हम इसको अभी समझा देंगे, पहले कुछ अन्य उदाहरण को देखें। मैं एक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव डिटेल मेथड, जो गणित की कंसेप्चुअल मेथड होता है, वहां से होकर मैं आपको बता दूंगा। हालांकि अभी एक एग्जाम्पल अभी और देखें। जैसे मैंने लिखा है दशमलव चार सात चार सात चार सात, ये प्रक्रिया मैं कंटिन्यू रखूं इनफाइनाइट टाइम्स, अनंत बार। अब हमें कैसे पहचान में आएगा कि ये सरल आवर्त में है? यदि दशमलव के बाद किसी विशेष अंक की बार बार रेपिटेशन हो, तो दशमलव के बाद एक विशेष अंक है, टू डिजिट नंबर है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, 4747 है ना। तो जब आप इसे हल करना, तो बार आप उस पर लगाना जो विशेष अंक रिपीट कर रहा हो। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं 47, ये रिपीट कर रहा है 4747, तो 47 पर हमने क्या किया, बार का चिन्ह लगा दिया। जब हम इसे हल करेंगे, तो हल करने का नियम यह है, हर में मतलब नीचे हम उतनी ही बार नौ लिखेंगे जितने अंक पर बार होगा। तो दो अंक पर बार लगा है, तो हर में हम क्या करेंगे, दो बार नौ लिख देंगे। और अंश में ऊपर क्या करेंगे, अंश में मैं ठीक वही संख्या रख देता हूं जिस विशेष अंक पर बार हो। 47 पर बार है तो अंश में 47। बात समझ में आना, जैसे दो अंक पर बार लगा है तो हर में दो बार नौ लिख दिया, अंश में ठीक वही संख्या उठा के पेस्ट कर देते हैं जो यहां पे होता है 47 47 शेयर कर दिया। एक अन्य एग्जांपल देखिएगा। अच्छा, कभी कभी हमारे माइंड में ये होता है कि क्या दशमलव के पहले जीरो ही होता है, तो यह जरूरी नहीं। जैसे मैं यहां पर रख दूं 2.572 या कुछ भी रख दिया जाए 571 571, ये मैं रिपीट करता चलूं, ये अनंत बार कर दे, तो आप देख रहे हैं दशमलव के बाद थ्री डिजिट नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है 571 571 571 571, ये पार्ट कंटिन्यू चल रहा है। तो जब हम इसे हल करेंगे, तो साल्व करने के लिए दशमलव हम उस अंक पर लगाते हैं जिस विशेष अंक की पुनरावृत्ति हो। 571 पर बार है तो हमने क्या, 571 रिपीट करा है तो मैंने इस पर बार लगा दिया। अच्छा, एक चीज तो आप जानते ही हैं, जैसे 1.5 डेढ़ लिखा है, 1.5 डेढ़ है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 1.5 का मतलब है डेढ़, अपने लैंग्वेज में 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 डेढ़। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक पूरा लिख दे प्लस हाफ अलग से लिख दे, तो इसको तो इस प्रकार तो लिख ही सकते हैं। ठीक उसी लैंग्वेज में समझिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं 2.571, इस पर बार है तो दो जो दशमलव पहले है वो कंप्लीट है, पहले उसे लिख लीजिए, और अभी जो इनकम्प्लीट है 0.571 पर बार, इसे अलग से लिख दीजिए। जब हम इसे हल करेंगे,
तो हल करने का नियम क्या है आप जानते ही हैं। यहां तीन अंक पर बार लगा है, 5, 7 और 1 पर, तो हर में हम उतनी ही बार 9 लिख देंगे, 3 बार 9, और अंश में ठीक वही संख्या पेस्ट कर देंगे यहां 571 जिस पर बार लगा हुआ है। मतलब अंश में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं, 571 पर बार है उठा के वही रख दीजिए, और हर में क्या करना, 3 अंक पर बार है तो 3 बार 9। और एक चीज आप और जानते हैं, a प्लस बी बटे सी का सही रूप है a सही b बटे सी। तो आपने समझा, अच्छा ये किसी पर्टिकुलर से कट नहीं रहा है, इसलिए आप a प्लस बी बटे सी को ऐसा तो लिख ही सकते, 2 सही 571/999, ये हमारा एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपने ये समझा सरल आवर्त दसमों के प्रश्न को। आपके मन में जो सवाल अभी मैंने बताया कि बटे में 9 ही क्यों आता है, तो आवश्यक तो नहीं कि हम उतने डिटेल में जाएं, लेकिन जानकारी के लिए आपको मैं बता दे रहा हूं। कभी कोई पूछ लिया कि बटे में 9 ही क्यों आता है, बाकी क्यों, बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में रख रहे हैं तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल व्यवहार में जैसे मैंने बताया समझ के हल कर लीजिए। अपने जानकारी के लिए कोई पूछ ले कैसे हुआ, तो चलिए मैं देख लेता हूं। चलिए अभी आपने एक दूसरा एग्जाम्पल जो लिखा था उसी को मैं यहां पे लिख देता हूं। आपने लिखा था 0.474747 इसकी पुनरावृत्ति थी, इसका मैंने मान पूछा था, तो हमने मान लिया ये इसका वैल्यू एक्स होगा, हमने माना इसका मान कितना होगा एक्स। अब यक्ष का मान जब निकालेंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक है यदि पूरे के पूरे अंक कट जाएं तभी यक्ष का मान आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब सवाल यह है कि दशमलव के बाद पूरे अंक कटेंगे कैसे, ये तो अनंत बार है। तो आप एक ऐसे अन्य समीकरण बनाइए, एक अन्य ऐसे समीकरण को यहां पे डेरिवेट करिए कि उस समीकरण में भी दशमलव के बाद सिमिलर वही रिपीट होना चाहिए जो यहां पर, जैसे 474747 है, मतलब 2 डिजिट नंबर रिपीट कर रहा है, 2 अंकों की संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो आपको करना क्या है, इसके दोनों पक्ष में 100 से गुणा कर दीजिए, दोनों पक्ष में आप 100 से गुणा कर दीजिए। अच्छा, यदि एक अंक की संख्या रिपीट हो, यदि एक अंकों वाली संख्या रिपीट हो तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना, यहां 2 अंक वाली संख्या बार बार रिपीट करे तो 100 से, यदि कोई 3 अंकों वाली संख्या रिपीट करे तो 1000 से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आप खुद ही देखिए, जैसे इसके दोनों पक्ष में मैं 100 से गुणा करूंगा तो दशमलव 2 स्थान दाहिने को मूव कर जाएगा, जैसे 2 जीरो है ना, तो दशमलव यहां से मूव करके यहां चलाएगा। हम 10 से गुणा करते तो 7474 रिपीट करता, जबकि हमें लाना है 4747, तो इसलिए मैंने 100 से गुणा किया है। तो अच्छा, जब 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहां से उठकर यहां लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 47 पॉइंट। अब देखिए यहां पे जब दशमलव लग गया तो अब 4747 ये चलता ही रहेगा, 4747 4747 4747, ये प्रक्रिया अनंत बार आपका चलता ही रहेगा। बराबर अब दाहिने पक्ष में भी 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 100x, एक दूसरा समीकरण यहां से जनरेट हुआ बना। अब हमने क्या देखा, ये वाली समीकरण 2 की डेटा ज्यादा है और ये वाली कम है, तो आप ऐसा करिए ज्यादा में से कम घटा दीजिए, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 आप घटा दीजिए। अच्छा, समीकरण 2 में से 1 इसलिए घटा रहे हैं ज्यादा में से कम को, तो दाहिना पक्ष दाहिने में घटा दीजिए और ये बायां पक्ष बाएं वाले में घटा दीजिए, मतलब 100x में 1x घट जाएगा, 100x - 1x हो गया 99x। अब यहां से इसको घटा दीजिए तो दशमलव के बाद 4747 4747 अनंत बार यहां भी है और दशमलव के बाद 4747 4747 4747 अनंत बार यहां भी है, तो दशमलव के बाद अनंत तक ये और दशमलव के बाद अनंत तक ये घट के 0 हो जाएगा, मतलब 47 में 0 घटेगा तो कितना जाएगा 47, तो यक्ष बराबर कितना हो गया 47, 99 इधर गुणा हो रहा है तो इधर आएगा तो भाग, तो देखिए वही सेंस निकला कि नहीं। तो इतना सब हल करने की जरूरत नहीं है,
आप वही माइंड में रखिएगा। यदि एक अंकों की जैसे 0.77777 मैंने अनंत बार लिखा था तो उसमें बराबर x मानना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना, दो में से एक समीकरण को घटा लेना, रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको इतना हल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें आवर्त दशमलव भिन्न में मैंने दो प्रकार बताया, जिसका ये तो था पहला। अब चलिए दूसरे प्रकार पर आ जाते हैं। मैंने बताया कि शुद्ध या सरल आवर्त दशमलव पहले प्रकार में था, जिसका भी आपने प्रश्न देखा। अब हम बात करते हैं दूसरा, मिश्रित आवर्त दशमलव की। तो मिश्रित आवर्त दशमलव की पहचान यह है, यदि दशमलव के तुरंत बाद किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति न होकर किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति न होकर उसके बाद के ही कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो, उसके बाद के ही कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो इसे मिश्रित आवर्त दशमलव कहते हैं। तो सेंस आपने समझा कि नहीं? मैं आपको बता दूं, यदि दशमलव के तुरंत बाद कोई विशेष अंक ऐसा हो जिसकी रिपीटिशन न हो, यदि दशमलव के तुरंत बाद कोई विशेष अंक ऐसा हो जिसकी पुनरावृत्ति न हो, लेकिन उसके बाद कुछ अंक ऐसे हो जो रिपीट करे, मतलब कुछ अंक नहीं रिपीट करे और कुछ रिपीट करे, दशमलव के तुरंत बाद किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति न होकर उसके बाद के ही कुछ अंक की पुनरावृत्ति हो, तो यह मिश्रित आवर्त दशमलव में आता है। हल कैसे करेंगे इसका रूल मैं बता दे रहा हूं। पहले अंश समझिएगा। अंश में क्या करेंगे, आपको करना क्या है, सर्वप्रथम जो दशमलव वाली संख्या है, सर्वप्रथम दशमलव को पूर्णांक रखते हुए उस अंक को घटा देते हैं, उस अंक को घटा देते हैं जिस अंक पर बार नहीं होता। देखिए, आपने रूल में अंश में क्या करना है, सबसे पहले जो दशमलव की पूरी संख्या है उसको पहले आप पूर्णांक रख लीजिए और रखते हुए उस अंक को घटा दीजिए जिस पर बार नहीं लगा। हर में क्या करेंगे, हर में उतना ही नौ लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, उतना ही नौ लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, जितने अंक पर बार होता है, और जितने अंक पर बार नहीं होता और जितने अंक पर बार नहीं होता उतना ही शून्य नौ के बाद लगा देते हैं। ध्यान देना, आपने ये लिखा है कि हम हर में उतना ही नौ लिखते हैं, हर में उतनी ही बार नौ लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, और जितने अंक पर बार नहीं होता उतना ही शून्य नौ के बाद लगा देते हैं। एक एग्जाम्पल देखें, बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है 0.47373733, ये प्रक्रिया चलती ही रहे अनंत बार। तो एक पॉइंट आप समझने का प्रयास कीजिएगा, दशमलव के बाद चार केवल एक ही बार आया है,
मतलब आपने लिखा है कि यदि दशमलव के तुरंत बाद किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति न होकर, तो दशमलव के बाद या तुरंत बाद कुछ विशेष अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो आप बताना दशमलव के बाद वह विशेष अंक है कौन सा जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो दशमलव के तुरंत बाद चार, ये केवल एक ही बार आया है, और उसके बाद देखिए किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति न होकर उसके बाद के ही कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो देखिए दशमलव के तुरंत बाद चार की पुनरावृत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद यदि देखें तो कुछ विशेष अंक की पुनरावृत्ति भी है, जैसे 7373 7373 7373। मतलब चार केवल एक ही बार आया है और उसके बाद 7373 बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न मिश्रित आवर्त दशमों की श्रेणी में आते हैं। गणितीय लैंग्वेज में इसे रिप्रेजेंट करना हो तो आप बार केवल उस अंक पर लगाया करिए जिस विशेष अंक की पुनरावृत्ति है, जैसे 7373 यही रिपीट कर रहा है, चार तो रिपीट कर नहीं रहा है, तो चार पर बार नहीं लगाना, ये बार का चिन्ह केवल उस पर लगाना जो विशेष अंक रिपीट करे, जैसे 7373 केवल इसी पर बार लगाएंगे। अब हल कैसे करेंगे, हल करने का नियम देखिएगा, ये नीचे हर और ऊपर अंश, हर में क्या करना है, हर में उतना ही नौ लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। अभी आप बताइए कितने अंक पर बार लगा है, दो अंक पर, सात पर और तीन पर। तो हर में क्या करते हैं, उतनी ही बार हर में उतना ही नौ लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, और जितने अंक पर बार नहीं होता उतना ही शून्य नौ के बाद लगा देते हैं। मतलब दो अंक पर बार है तो हर में दो बार नौ लिख दिया, और जितने अंक पर बार नहीं है, मतलब एक अंक पर बार नहीं है, तो जितने अंक पर बार नहीं है उतना ही शून्य नौ के बाद लगा दीजिए, हर का काम समाप्त। रही बात अंश की, तो अंश में क्या करेंगे, रूल मैंने लिखा है, सर्वप्रथम दशमलव को पूर्णांक रखते हुए, ये जो दशमलव वाली संख्या है सबसे पहले इसे पूर्णांक रख दीजिए, पूरे का पूरा, मतलब 473 पूरा का पूरा उठा के यहां रख दीजिए। इसको पूर्णांक रखते हुए उस अंक को घटा देते हैं जिस अंक पर बार नहीं होता, मतलब पहले 473 पूरा का पूरा उठा के रख दीजिए और उसके बाद इसमें से घटा दीजिए उस अंक को जिस पर बार नहीं है, चार पर बार नहीं है तो इस चार को घटा दीजिए, बस काम समाप्त हुआ। ये 469 हो गया घटाने पर बटे 990, और ये 9 6 15 4 19 ये किसी पर्टिकुलर से कटेगा नहीं, इसलिए हमारा यही एग्जैक्ट उत्तर हो गया। तो आपने देखा बहुत ही एक सिंपल से पैटर्न का ये प्रश्न था, पहचान तो आपको हो ही गया। यदि दशमलव के बाद कुछ पर बार नहीं लगा हो, कुछ पर ही बार लगा हो, तो ये मिश्रित आवर्त दशमों की श्रेणी में आता है। अब एक प्रश्न में कंबाइंड इस पर करा दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट की बात करेंगे इसमें। चलिए इसमें मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, जैसे 0.83 पर बार किया है माइनस 0.547 इस पर मैंने बार किया, और इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, या इसका पूछ लिया सरलतम मान क्या है, या इसका सरलतम मान बराबर होगा किसके, अब ये प्रश्न पूछ लिया तो कैसे हल करेंगे, चलिए देखें। बस इतना ध्यान देना, यदि दशमलव के बाद जितने अंक हो पूरे के पूरे अंक पर बार लगा हो तो समझ जाना सरल आवर्त है, जैसे दशमलव के बाद दो अंक है दोनों पर बार लगा हुआ है, तो ये सरल आवर्त है। इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हर में मतलब नीचे उतना ही नौ लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, जैसे दो अंक पर बार लगा है तो हर में दो बार नौ लिख दीजिए, और अंश में ठीक वही संख्या रखते हैं जिस अंक पर बार लगा हो, 83 पर बार है तो यही उठा के रख दीजिए, 83/99 माइनस। लेकिन ये सवाल आपका मिश्रित आवर्त है क्योंकि 5 पर बार नहीं है, इसका मतलब 5 रिपीट नहीं कर रहा होगा, केवल 4 7 पर बार है, मतलब केवल 4 7 ही रिपीट कर रहा होगा, तो ये मिश्रित आवर्त में है। हल करने का नियम क्या है, नियम मिश्रित आवर्त का ये है, हर में उतना ही नौ लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, दो अंक पर बार है तो हर में उतना ही नौ लिख दीजिए, और जितने अंक पर बार नहीं होता, जैसे एक अंक पर बार नहीं है तो 1 0 यहां बढ़ा दीजिए। रही बात अंश की,
तो पहले पूरा का पूरा पूर्णांक रख दीजिए, मैंने रूल में लिखवाया है, पहले इसको पूर्णांक पूरा का पूरा रख दीजिए और इसके बाद इस विशेष अंक में से घटा दीजिए उस अंक को जिस पर बार नहीं लगा है, 5 पर बार नहीं लगा है यही घटा दीजिए। तो अच्छा कुल मिला के 542 हो गया, 547 में 5 घटाएंगे। हालांकि अभी जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो तभी घटेगा जब दोनों के हर बराबर होंगे, इसका हर 99 है, इसका 990 है, तो ऐसे तो हल होगा नहीं। पहले दोनों का लसा निकालें, दोनों का लसा जब लेंगे 99 990 का तो 990 आएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, पहले इस हर का भाग इस हर में दीजिए, मतलब 99 का भाग 990 में दीजिए, तो 99 का भाग 990 में देंगे तो 10 बार जाएगा और जितनी बार जाए उसी के ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 10 बार जाएगा, 10 का गुणा इसके ठीक ऊपर 83 में गुणा करेंगे 830 हो जाएगा माइनस। अब 990 डिवाइड करिए 990 में, 990 भाग करेंगे 990 में तो एक ही बार जाएगा और जितनी बार जाए उसी के ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 542 में गुणा करेंगे वही आएगा क्योंकि 5 तो घट गया था। अब 10 में से 2 गए 8, 12 में से 4 गए 8, 7 में से 5 गए तो 10 में से 2 गए कितना 8, अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 4 घटेगा नहीं, 12, 12 में से 4 गए 8, 7 बचा, 7 में से 5 2। अब ये कट गया आपका 2 से, 144 आ गया बटे 2 चौके 8, दोनों 18, 2 पंचे 144 बटे 495, ये हमारा एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपने इस पर्टिकुलर पार्ट को समझा। अच्छा आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें कि एक ऐसा टॉपिक सीटेट के लिए तो महत्वपूर्ण है, यूपी टेट के लिए भी उतने महत्वपूर्ण है, सुपर टेट में भी। आपको याद होगा सुपर टेट में अभी जस्ट जो पेपर संपन्न हुआ था उसमें पूछा गया था कि 1.27 इस पर बार है, इसका सरलतम मान होगा, ये सवाल पूछा गया था, ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया था, है ना, इसमें इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें ये बी ऑप्शन सही था। तो ये वहां भी महत्वपूर्ण है, सीटेट के लिए तो खासा महत्वपूर्ण है, यूपी टेट सुपर टेट सब, मतलब आप इग्नोर नहीं करना, है ना, ऐसा नहीं कि मैं सीटेट की तैयारी कर रहा हूं तो केवल उस पर्टिकुलर के लिए पढ़ूं, बाकी किसी में काम नहीं करेगा। एक ऐसा टॉपिक है तीनों परीक्षाओं के लिए खास महत्वपूर्ण है। एक छोटा प्रश्न बनाया जाता है जो हालांकि यूपी टेट सुपर टेट में तो कम देखने को मिलता है लेकिन सी टेट में बहुत बार पूछे गए हैं, मैं एक ऐसे प्रश्न को रख रहा हूं। एक टाइप है पांचवा, ये भी साधारण प्रश्न के अंतर्गत आता है, जैसे पूछा जाता है यक्स में कितने वाई है, यक्स में कितने वाई है, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, ये प्रश्न का स्ट्रक्चर होता है। तो यक्स में कितने वाई है ये कैसे पता चलेगा, आपको यदि हल करना है तो सीधा सीधा यक्स में भाग कर दीजिए वाई से, पता चल जाएगा यक्स में कितने वाई है। मेरे लैंग्वेज को समझिएगा, मैं फिर प्रश्न की बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 20 में कितने दो हैं, जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि 20 में कितने दो हैं तो आप क्या बताएंगे, बताइएगा, मैंने आपसे सवाल किया 20 में कितने दो हैं तो आप क्या करते हैं, सीधे तौर पर 20 में 2 से भाग करते हैं पता चलता है 10। 20 में कितनी बार 2 है तो 20 में 10 बार 2 है, 2 2 यदि 10 बार लिख दें तो 20 के बराबर हो जाएगा। तो अब इस पर जो फ्रैक्शन से प्रश्न पूछता, हालांकि इतना बेसिक है बताना नहीं चाहिए क्योंकि परीक्षा में आता है इसलिए मैं रख दे रहा हूं, है ना। जैसे मैं ये पूछूं कि 1/2 में कितने 1/16 है, मतलब यक्स में कितने वाई है, तो अब देखिए कैसे हल करेंगे, हमें जानना है कि 1/2 में कितने 1/16 है, तो आप भाग कर दीजिए 1/2 में, जैसे इसमें पूछा जैसे यक्स में कितने वाई है तो जिसमें कहा जाए उसे अंश में रख दीजिए, और जैसे पूछा कितने वाई है तो उसे हर में, इसी तरीके पूछा 1/2 में मतलब ये एक्स है तो यक्स में, मतलब इसको ऊपर कर दीजिए, भाग करना
कितने वाई है, मतलब कितने 1/16 है, आप भाग कर लीजिए। 1/2 में भाग कर दीजिए, कितने 1/16 है, भाग कर देना। अच्छा, ये भाग हो रहा है, जैसे ही यहां पर गुणा करेंगे तो देखिए, जैसे ही बटे के स्थान पे यहां गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो 1/16 है ये 16/1 हो जाएगा। अब 2 × 8 = 16 कितने हैं, 8। तो 1/2 में कितने 1/16 है, 8। मतलब 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 8 बार लिख देंगे तो वही 1/2 ही आएगा। एक छोटा सा सीक्वेंस इसमें और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 3 से ही 1/3 में कितने 2/3 है, तो 3 से ही 1/3 में 3 × 9 = 10, 10/3 है। इसमें पूछा है कितने 2/3 है, तो इसमें भाग कर दीजिए 2/3 से। तो ये 10/3 ये भाग की प्रक्रिया है, जैसे ही गुणा करेंगे ये भाग की प्रक्रिया गुणा करेंगे उल्टा हो जाएगा, 2/3 3/2 हो जाएगा। तो 2 से ये 5 बार में कट गया, हमारा उत्तर आ गया। तो मैंने पहले ही कहा कि ये बताना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक पार्ट है, क्योंकि आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, लिहाजा मैंने इसे रख दिया। बाकी ये नहीं सोचना बहुत बिल्कुल सिंपल सिंपल बता रहे हैं। एक अन्य टाइप पर चलते हैं, एक अन्य हेडिंग पर चलते हैं, और यह हेडिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैंने अभी अन्य पर थोड़ा फोकस किया। ये प्रश्न होगा गलत पाठ्यांक पर प्रश्न, मिसरीडिंग बेस्ड क्वेश्चन। गलत पाठ्यांक पर प्रश्न। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, एक प्रश्न मैं रख रहा हूं, आप थोड़ा अभ्यास करिएगा, और तब तक मैं तुरंत पानी पीने के बाद और ये क्लास आके कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। हालांकि चलिए देखिए, एक प्रश्न में तब तक लिख रहा हूँ, आप हल करिए, बस तुरंत मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, है ना, 2-3 मिनट बाद, और तुरंत आप कैलकुलेशन को मिलान करें और बेशक हल कर लेंगे। जैसे मैंने बोला कि किसी छात्र को, या एक लिखें बेहतर है, एक छात्र को ये सवाल मैं लिख रहा हूँ, आप लिखिए, बस 2 मिनट के लिए वीडियो रोक रहे हैं, उसके तुरंत बाद मैं फिर से आ जा रहा हूँ। एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 याद करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से, संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। जिस कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक मिला। तो वह संख्या बताइए, मतलब एक छात्र है, उसको किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से जल्दबाजी में क्या किया, उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। जिस कारण, मतलब गलत हल करने के कारण जो उसका उत्तर मिला वो सही उत्तर से 150 ज्यादा मिला, तो वह संख्या कौन सी थी, हमें बताना है। आप इस पर अभ्यास करिए, बस 2 से 3 मिनट में ब्रेक लेके बस तुरंत आ रहा हूं। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।